उसे क्षमा तो किया पर कर्म के फल के रूप में अपनी एक आंख गमानी पड़ी। कई जन्मों तक ये कर्म हमारा पीछा नहीं करते करते ही रहते हैं जब तक हम उन्हें भोग नहीं देते। फिर चाहे हम राजा हों, धर्मात्मा हों या महात्मा साधु हों या शैतान, कर्म फल का विधान सबके लिए एक समान ही है। भीष्म पितामह सर सैया पर लेटे हुए थे अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण। सचमुच कर्मों की गति ही बड़ी गहन होती है। शुभ कर्म करने के साथ साथ हमें हमारे लिए यह भी जरूरी है कि हम निष्काम कर्म करें, आसक्त होकर कम कर्म न करें। यही श्रेष्ठ मार्ग है जिस पर चलकर हम अपने लोक परलोक दोनों को सुधार सकते हैं। आपका दिव्य अलौकिक प्यार हम पर सदा बरसता रहे। ओम शांति।